जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों जो आपकी भर्ती चल रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो थी 37,000 प्लस जिसमें वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों, उसके बारे में अपडेट आई हुई है। इसके बारे में जान लेते हैं कि आपकी भर्ती कब होने वाली है और उसकी जो प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यूपी पुलिस 37,000 कांस्टेबल भर्ती पर आज मिल सकती है अपडेट। एसआई नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो दोस्तों ये आज जो आपके एसआई वाली जो भर्ती चल रही थी उसके नियुक्ति प्रमाण पत्र भी आप योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। उसके बाद जो ये भर्ती आपकी होने वाली है इस पर आपकी प्रक्रिया शुरू होने वाली। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, यूपी पुलिस 37,000 कांस्टेबल भर्ती पर आज मिल सकती है अपडेट। एसआई नियुक्ति पत्र पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी। यूपी पुलिस होने वाली आगामी भर्तियों को लेकर आज अपडेट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को 37,000 कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरोगा मेरठ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वह नई कांस्टेबल वे दरोगा भर्ती को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं। मेरठ पुलिस लाइन में दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी के साथ यूपी पुलिस को 789 दरोगा और प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी मिल सकेंगे। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और आगे बात कर लेते हैं, एक साल पहले 7 जनवरी 2022 को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर भर्ती निकलने की सूचना जारी की गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे लाखों युवाओं इसके नोटिफिकेशन निकलने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, नई यूपी एसआई में दिल्ली में 38, हरियाणा में 25 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस आयोजन की तैयारियों को देखने के लिए गुरुवार को एडीजी, आईजी और एसएसपी समेत कई अधिकारी पुलिस लाइन पहुँचे। यूपी इन आयोजन की तैयारियों को देखने के लिए यूपी पुलिस भर्ती में मेरठ से 316, बागपत से 235, हापुड़ से 136 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके अलावा दिल्ली में 38, हरियाणा से 25 अभ्यर्थी चुने गए थे। वहीं प्लाटून कमांडर पद पर इन सभी जगहों पर 36 और अग्निशमन में द्वितीय अधिकारी के लिए 3 लोग पास हुए थे। इन सभी की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। रविवार यानी कि 26 फरवरी पुलिस लाइन में इन सभी की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में ट्रेनिंग करने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी बुलाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, इसी कार्यक्रम की तैयारी को देखने के लिए एडीजी राजीव सबरवाल, आईजी प्रवीण कुमार, एसएस रोहित सजवाण, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव और एसएसपी कैंट विवेक यादव गुरुवार दोपहर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर अलावा अधिकारियों को नए कई सुझाव दिए गए और शनिवार तक सारा काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इस दौरान यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लखनऊ से इन जवानों को लाइव संबोधित करेंगे। तो दोस्तों जो आपकी एसआई भर्ती है उसका 26 तारीख को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके बाद जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तैयारी नहीं करी है तो आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जो आपकी भर्ती है वो जल्दी होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही इससे कोई अपडेट मिलती है आपको, जल्दी हम आपको सूचना दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।